नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज के इस आधुनिक युग में बहुत से लोग अंधविश्वास का हाथ पकड़कर चलते हैं। किसी चीज में विश्वास रखना, आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन जब यही विश्वास आस्था अपनी सीमा पार कर देती है तो फिर यही विश्वास अंधविश्वास में तब्दील हो जाता है और आपकी इसी कमजोरी का कुछ लोग फायदा भी उठा लेते हैं। ऐसी खबरें भी आए दिन सामने आती रहती हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में किसी की जायदाद हाथ से चली गई तो किसी मासूम महिला की इज्जत लुट गई। और ऐसे ही अंधविश्वास रखने वालों की वजह से कुछ ढोंगी और आपराधिक सोच वाले लोग अपनी मनमानी करते हैं। अब ऐसे ढोंगियों के तौर पर आप राम रहीम या फिर आशा राम को ले सकते हैं, जिन्होंने अपने नाम के आगे पीछे राम तो लगा लिया लेकिन राम राज्य लाने की जगह ये रावण राज ले आए और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर बैठे। या फिर उन मौलानाओं को ले सकते हैं जो मस्जिद जैसी जगहों पर भी मासूम बच्चों का यौन शोषण करते हैं या फिर मजहब के नाम पर युवाओं को आतंकवाद की राह पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। एक लगभग ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें अंधविश्वास के चलते 4 लोगों को पुलिस का सामना करना पड़ा। 4ों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। ये घटना राजस्थान के बस्ती थाना क्षेत्र की है, तो चलिए अब आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल दवा खजाना निकालने के लिए 4ों आरोपी सड़क खोद रहे थे तो आपराधिक घटना का आभास होते ही किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, तब जाकर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हिरासत में लिए गए 4ों लोग टोक के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि टोक में उनके देवता ने उन्हें बताया है कि विपरीत दिशा में करीब 150 किलोमीटर दूर जाकर रात के अंधेरे में सड़क की खुदाई करेंगे तो उन्हें दबा हुआ खजाना मिलेगा। इसी के चलते 4ों युवकों ने टोक से एक कार किराए पर ली और उसके बाद विपरीत दिशा में 150 किलोमीटर दूर आए, जिसके बाद वो 4ों युवक बस्ती के जटवाड़ा क्षेत्र पहुंचे और जटवाड़ा पुलिस के नीचे बीती रात सड़क की खुदाई शुरू कर दी। लोगों ने रात के अंधेरे में इस तरह से 4 लोगों को सड़क खोदते देखा तो पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देर रात इन 4ों को हिरासत में ले लिया। आपको यह भी बता दें कि इनके कब्जे से फावड़ा, कुदाल, गैती और अन्य सामान भी जब्त करना बताया जा रहा है। फिलहाल 4ों से पूछताछ की जा रही है। बस्ती पुलिस ने इस मामले में टोक निवासी गौतम प्रजापत, राजेंद्र जीताराम छोटू और कार चालक सुरेश कुमार को शांति भंग करने की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। तो देखा आपने, ये एक अंधविश्वास का जीता जागता उदाहरण है। अंधविश्वास एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान सामने होते हुए भी कोसों दूर है। विश्वास टूटकर बिखरता है, अंधविश्वास मजबूती से खड़ा रहता है। खोखला है लेकिन मजबूती की जड़ें लिए हुए इसे समझाते हुए भी कोई स्वीकारना नहीं चाहता। आज का समय जिस तरह से बुराइयों को अपने अंदर समाये हुए है, ऐसे में मनुष्य सगे से सगे रिश्ते पर भी विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे अंधविश्वास हैं जिसके शिकार आज हर एक तीसरा व्यक्ति है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अगर आप भी किसी ऐसे ढोंगी बाबा या किसी पीर बाबा के चक्कर में हैं, तो अपनी सोच समझ का इस्तेमाल कर एक सवाल खुद से कीजिए कि क्या वो आपके लिए ठीक है या गलत। ऐसे लोगों से सतर्क रहें और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।